हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T1X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो बैटरी सेवर सेटिंग को अपना शेड्यूल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये बैटरी सेवर सेटिंग जो है ना, शेड्यूल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा बैटरी का, बैटरी पर आपको इसे सेलेक्ट करना है। बैटरी के इस पेज में आपको नीचे आना, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा बैटरी सेवर का, बैटरी सेवर पे सेलेक्ट करना है। अब बैटरी सेवर के इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा सेट ए शेड्यूल, सेट ए शेड्यूल पे आपको सेलेक्ट करना है। अब आपका जो है ना, ये सेट ए शेड्यूल का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको नीचे की साइड ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बेस्ड ऑन परसेंटेज। इस ऑप्शन को टिक मार्क लगाएंगे ना, तो आपका नीचे की साइड ये पॉइंटर शो हो जाएगा आपका परसेंटेज में। यहां पर इस पॉइंटर को आप जो है ना, इस तरीके से लेफ्ट और राइट कर सकते हैं उंगली से दबाकर। ठीक है, आप इसे कहीं पर भी किसी भी परसेंटेज पे आप रख लीजिए, 10, 20, 50, 90, 80, जहां भी आप रखना चाहते हैं। तो देखिए, मैं इसे 20% पे रख लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के लिए अब हम जो है बैक पेज पे चलते हैं, तो देखिए शेड्यूल के नीचे लिखा हुआ आ रहा है विल टर्न ऑन एट 20%। ठीक है, अब ये बैटरी सेवर सेटिंग आपकी शेड्यूल हो चुकी है। अब ये सेटिंग जो है ना, शेड्यूल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है ना, ये आपकी जो बैटरी जो है 20% पे आ जाएगी ना, तो आप इसमें होगा क्या, आपके मोबाइल फोन का बैटरी सेवर है ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ऑटोमेटिक ऑन होने के बाद आपके मोबाइल फोन की जो डिस्प्ले है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, बैकग्राउंड डिस्प्ले आपकी व्हाइट से ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, और ये सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपका बैटरी सेवर ऑन हो गया है, अगर आप अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे नहीं लगाते हैं ना, चार्जर के साथ कनेक्ट करके चार्जिंग पे अगर आप नहीं लगाते हैं और आप अपने फ़ोन को कंटिन्यू यूज़ करते जाते हैं, ठीक है, तो इससे होता है क्या है, आपकी मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी सेवर है ना, आपकी मोबाइल फ़ोन की बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होने से बचाएगा। ठीक है, यानी कि कम से कम कंज्यूम होने देगा। तो ये बैटरी सेवर सेटिंग जो ना, इस तरीके से काम करती है आपकी। ठीक है, तो ये सेटिंग जो है ना, अगर आप एक बार शेड्यूल कर देंगे, एक बार शेड्यूल हो जाएगी ना, तो ये सेटिंग आपकी जो है ना, एवरी डे इसी तरीके से काम करेगी आपकी। हर दिन ऑटोमेटिक आपकी बैटरी जो है ना, बैटरी सेवर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा जब भी आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो है 20% पे आ जाएगी तो। ठीक है, और जैसे ही आप अपने फ़ोन को जो है ना, अपने चार्जर के साथ कनेक्ट कर देंगे, और अगर आपकी बैटरी जो है 20% से 1% भी अगर ज़्यादा चार्ज हो गई ना, 21% हो गया, तो आपके मोबाइल फ़ोन का बैटरी सेवर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। तो ये बैटरी सेवर सेटिंग जो है ना, शेड्यूल करने के बाद इस तरीके से काम करती है। दोस्तों, यहां पर एक बात और बता देता हूं। देखिए, यहां पर ये मैंने बटन आपको दबा के दिखाया था, ये वाला। ठीक है, इस बटन को दबा के मैंने इस सेटिंग को ना, बैटरी सेवर को इसी वक्त मैंने ऑन कर दिया था, लेकिन आपको ये बटन दबाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब आप इस सेटिंग को शेड्यूल कर देते हैं तो। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आपकी सेटिंग इनेबल हो जाएगी, यानी ऑन हो जाएगी। ठीक है, आपको ये बटन दबाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है,